नारायण 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 बोलो नारायण चलाओ कोई बात चलाओ मनुष्य की प्रकृति होती है वो स्वभाव होता है स्वभाव मूल नहीं बन सकते सबसे मुख्य होता है उसमें हट काम नहीं देता विग्रह ना हो हट को करते है जैसे मोटर खराब हो गई तो धक्का दे ठीक करते नहीं होगा उसका इंजन को ठीक करना होगा ऐसे भीतर में इससे अगाड़ी का श्लोक है इंद्रिय ये दो हटाना चाहिए इन दोनों को बसीभूत नहीं होना चाहिए इन हट काम नहीं देता राग द्वेष को हटा सकते राग द्वेष हटाने पर प्रकृति शुद्ध हो जाती है निर्मल हो जाती तो प्रकृति को शुद्ध करो प्रकृति मुख्य रहती है प्रकृति अनुसार काम करते हैं हरेक मनुष्य तो राग द्वेष ये दोष खास है दो ये दो परिपंथी है मार्ग में दुखे दो है राग और द्वेष इससे असली तत्व का बोध नहीं होता जिसके मन में राग और द्वेष होता है वो असली तत्व को जान नहीं सकता जानने की सामर्थ्य नष्ट हो जाती है उसकी सब इधर खर्च हो जाता है राग और द्वेष ताकत नहीं रहती कि वो परमात्म तत्व को जाने अपने कर्तव्य को जाने ये सोचती नहीं रहती तो निग्रह की करेगी इसमें हट काम नहीं करेगा किंतु राग द्वेष का त्याग काम करेगा और राग द्वेष के त्याग के लिए राग द्वेष आ जाए तो उनके अनुसार से ग्रहण त्याग न करे राग पूर्व ग्रहण करना और द्वेष पूर्व त्याग करना ये नहीं है न द्वेष त्याग कुशलं करे कुशल का त्याग करे पर द्वेष पूर्वक नहीं कुशल नाम से कुशल काम श्रेष्ठ काम करे परंतु राग पूर्वक नहीं कर्तव्य का पालन करे पर राग पूर्वक नहीं अकर्तव्य का त्याग करे पर द्वेष पूर्वक नहीं राग द्वेष खास बाधक है कहीं तो और काम करे तो इस पर विजय हो जाएगी फिर प्रकृति शुद्ध हो जाएगी प्रकृति शुद्ध होने से सब क्रियाएं आप से आप शुद्ध होगी शुद्ध करनी नहीं पड़ेगी और हट से करोगे तो वोट निभेगा नहीं चलेगा नहीं ये बात है उसमें भगवान ने यहां तक कह दिया कि सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञान वाने ज्ञान ही है तत्व ज्ञान होने पर भी अपनी प्रकृति अनुसार चेष्टा करेगा चेष्टा करेगा तो प्रकृति अनुसार ही करेगा तो वो तो चेष्टा करता प्रकृति अनुसार और प्राणी प्रकृति के भस्म हो जाए प्रकृति ज्ञान थी प्रकृति को प्राप्त हो जाते बन गए तो प्रकृति मुख्य रहती है ज्ञानी के भी कार्य करने में प्रकृति रहती है पर प्रकृति के भस्म वो नहीं होता उसके बस में प्रकृति होती है साइकिल अपने बस में हो रहे साइकिल के बस में हो जाए मोटर अपने बस में हो रहे मोटर के बस में हम हो जाए तो मोटर के बस में हो जाएंगे तो कभी खाड़े में गिरेंगे कोई एक्सीडेंट होगा हमारे घर में तो गंतव्य पहुंचती क्या पहुंच जाएंगे तो इसमें दोष क्या है दो राग और देश के दोष है तो प्रकृति के बसीभूत हो जाता है वो वास्तव में तत्व को नहीं जान सकते कभी तो प्रकृति के बसीभूत न हुआ प्रकृति को बस में रखकर काम करे अपने बस में रखकर प्रकृति जानती होता नहीं निग्रह में हट नहीं काम करेगा तो तय और ना बस मांगा थे मेरे तो एक दिन समझ में आई थी कि राग द्वेष तो बड़े हम क्या करें तो कहते थे और ना बस मांगा थे ये उपाय बताया इनके बसे पूछना तो राग पूर्वक करना हमारा ग्रहण करना द्वेष पूर्वक त्याग करना ये बड़ी भारी भयंकर बीमारी है राग द्वेष को दृढ़ मूल करने वाली चीज है
हम रुचि पूर्वक काम करेंगे, अरुष पूर्व त्याग करेंगे, द्वेष पूर्व त्याग करेंगे, तो ग्रहण त्याग का इतना महत्व नहीं है जितना भयंकर दोष है राग और द्वेष का। ग्रहण भी करेंगे तो राग पूर्वक, त्याग करेंगे तो द्वेष पूर्वक। आप त्याग करोगे तो द्वेष पूर्वक करोगे तो वो त्याग काम नहीं आएगा। त्याग शांति ग्रहण तो ये नहीं होगी, कभी नहीं होगी। राग पूर्वक सेवन करते रहोगे तो शांति नहीं मिलेगी, राग पुष्ट होगा। अच्छा काम है उसको उतना महत्व नहीं है जितना वास्तव में दोष राग का है। तो त्रयोरना बस मागत है तुम्हारे, इनके बसीभूत हो काम मत करो, फिर ये ठीक हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, तस्मात शास्त्रम प्रणय, शास्त्र क्या कहता है, गुरुजन क्या कहते हैं, बड़े लोग क्या कहते हैं, महात्मा संत क्या कहते हैं, उनके अनुसार वो सामने रखकर करो। मनुष्य प्राय बहुत बड़ी भारी भूल करता है, कोई काम करता है अपने राग द्वेष को सामने रखता है, राग द्वेष को सामने रखकर काम करता है, राग गुरु ग्रहण करेगा, द्वेष गुरु त्याग करेगा, तो ये महान भयंकर बीमारी है, साधक के लिए बड़ा भारी दोष है। चश्मा शासन प्रमाणन के कार्य अकार्य कर्तव्य कर्तव्य शास्त्र प्रमाण, वे कहे जैसे करे, निषेध कहे जैसे छोड़ दिया, बहुत लाभ है, प्रकृति के ऊपर अधिकार हो जाएगा आपका, नहीं तो प्रकृति ज्ञान से पूछने के लिए आपको ले जाएगी, हाथ काम नहीं देगा। और बोलो इसको कोई बात हो तो, हाँ और तो अशुभ में लगा देगी, प्रकृति है ना, राग द्वेष है ना भीतर, राग जो पंद्रह खिंचाव है, मन स्वार्थी बात है। हम मन स्वार्थी बात करेंगे जब हमारे शायद स्वार्थी वो करेंगे, वो राग है। हमारे वो लाभ कैसे हो जाए, हमारे सुख कैसे हो जाए, हमारा मान कैसे रहे, हमारी बड़ाई कैसे हो, हमारी वाह वाह कैसे हो, ये राग है सब, ये डबोने वाली चीज है। दीखे अच्छी है, मीठी दीखी है, पर मीठा जहर है, महान जहर आधार। मान की, बड़ाई की, पद की, अनुकूलता की इच्छा है, ये ही वास्तव में बहुत बड़ा भारी बंधन है, बहुत बड़ा बंधन। है सबके रख का उपाय, कोई कोई लग पाता है सबसे बड़ो, इसको ठीक जानने वाला बहुत कम है। तुम्हारा प्रश्न क्या है, हाँ तो राग द्वेष अशुभ शुभ में लगाएगी तो शुभ और अशुभ की पहचान कैसे करोगे, ये शुभ है ये अशुभ, ये पहचान कहाँ से करोगे। अशुद्ध क्रिया हुई, अच्छा तो प्रिय है, दया वाली बात अच्छी लगती, प्रिय है कि किसी की चीज चुरा रहे अपना मतलब सिद्ध कर रहे, ये अच्छी लगती है, ये तो बुरी लगती है। मानो क्या बुरी लगती है, चोरी करना ठगी करना बुरा लगता है, अरे बहुत अच्छी बात है, ये बुरा लगता अच्छा है, पर ये लग रहे कि अधीन नहीं है, ये शास्त्र के अधीन है, यदि आचार आरती श्रेष्ठ श्रेष्ठ आचरण करे उसके अधीन है, विवाह विवेक व्याचार के अधीन है, तस्मात शास्त्र प्रमाण शास्त्र के अधीन है, ये अपने अपने अधीन नहीं है। अपने अपने सार बुरा कह दिया, इतने से काम नहीं चलेगा, छोटी बड़ी क्रिया कुछ भी करे शास्त्र को सामने रखकर करो ठीक होगा, और अपनी जानकारी अपने स्वार्थ के लिए अपने सुख के लिए करो ठीक नहीं होगा। देखो मूल में
हमारे जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये हमारे लिए नहीं है, तब शुभ काम होगा। ये हमारे लिए है तब तक शुभ काम नहीं होगा। शरीर अपने लिए, इंद्रिया हमारे लिए, मन हमारे लिए, बुद्धि हमारे लिए, पदार्थ हमारे लिए, जनता हमारे लिए, तो वो शुभ काम में नहीं ठहर सकेगा। अच्छी बात है, अच्छे कर्म है, शुभ कर्म है, शुभ कर्म समझ नहीं सकेगा वो, जहाँ शरीर को अपने लिए माना है वहां अशुभ कर्मों को ही अच्छा मानता है। स्वतः स्वाभाविक पतन होगा ही नियम से। शरीर चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण, ये शरीर का संबंध संसार के साथ है। तो संसार हमारे शरीर के लिए ये नहीं हो, हमारा शरीर संसार के लिए हो, ये शुभ काम होगा। हमारे लिए मानोगे तो शुभ नहीं ठहरेगा, टिकेगा नहीं। स्थूल शरीर है, पदार्थ सामग्री, ये केवल संसार के लिए, अपने भोगने के लिए नहीं। ये तनु कर फल विषय वाली अपने भोगने के लिए है ही नहीं सामग्री है। ये सामग्री केवल संसार के लिए ही है और संसार की है, संसार की भेंट कर मिल जाए। ऐसे सूक्ष्म शरीर है तो शुभ, दूसरों का भला चाहना, किसी का बुरा ना चाहना, ये सूक्ष्म सही है। तो अपनी भावना सद्भावना होनी चाहिए, दुर्भाव नहीं होना चाहिए। ऐसे कारण शरीर है तो परमात्मा तत्व में ही स्थिरता होनी चाहिए, और स्थिरता हमारी सिद्धियों के लिए आदि के लिए नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल समाधि भी केवल लोगों के हित के लिए हो, चिंतन भगवान का चिंतन भी दुनिया के हित के लिए हो, शरीर का कार्य भी सबके हित के लिए हो। क्यों, शरीर हमारा नहीं है, ये मिली हुई चीज है और बिछुड़ जाएगी। जब तक है तब तक इनसे दूसरों का हित करके लाभ उठा लो, हित में ही लाभ है। ते प्राप्त सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वो परमात्मा प्राप्त होते हैं। और अपना सुख देखोगे और सही को अपना मानोगे, नहीं चल सकते शुभ कर्म में, नहीं चल सकते, महान बात हो जाएगी। नहीं समझ में, केवल अच्छा काम करेंगे बुरा नहीं करें तो अच्छा तो काम करते हैं, सभी अच्छा ही करते हैं, अपनी दृष्टि में अच्छा समझ ही करते हैं हर एक ही, चाहे हत्या ही करें, चाहे चोरी ही करें, कुछ अच्छा समझ के करते हैं, बुरा समझ थोड़ी करते हैं, अपने अच्छे समझ करते हैं। ये कसोटी दी है, अच्छा समझना बुरा समझना बुद्धि के अनुसार है, शास्त्र का अनुसार ने कहे, गुरुजन कहे, महात्मा कहे, श्रेष्ठ गुरु जानकार कहे, वो अच्छा होता है, उसका निषेध करे वो बुरा होता है। ये बात नारायण 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 अपने लिए नहीं है, शरीर भी राम परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी 31 मई 1990 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम।